अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे महंगी कार किसके पास होगी तो शायद आपका जवाब होगा अंबानी या अडानी। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिकल्स कंपनी के मालिक वीएस रेड्डी ने अंबानी अडानी और बाकी अरबपतियों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक वीएस रेड्डी के पास है सबसे महंगी कार बेंटले मेलसन ईडब्ल्यूवी सेंटेनरी एडिशन, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतने दाम में तो दिल्ली जैसे शहरों में 30 से भी ज्यादा फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। खैर, शौक अपनी जगह है। वीएस रेड्डी को हाल ही में इस स्पेशल लिमिटेड एडिशन बेंटले को बेंगलुरु में चलाते देखा गया। हालांकि इस कार को काफी समय पहले ही रेड्डी ने खरीद लिया था। ब्रिटिश कार कंपनी के इस लग्जरी सेडान के स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत ही भारत में लगभग 6 करोड़ रुपए थी। लेकिन रेड्डी की ये स्पेशल एडिशन लग्जरी कार बेंटले की अब तक की सबसे खास और महंगे मॉडल्स में से एक है। बेंटले मेलसन ईडब्ल्यूबी सेंटेनरी एडिशन को बेंटले ने अपनी 100वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए तैयार किया है। ये सेंटेनरी गोल्ड, ब्लैक और व्हाइट जैसे 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है और पूरी दुनिया में सिर्फ 100 गाड़ियां ही मौजूद है, जिसमे से एक भारत में है। इस कार की बात करें तो इसमें 6.75 लीटर का V8 इंजन लगा है, जो कि 506 हॉर्स पावर और 1020 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली इस खास कार को महज 5.5 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड तक चला सकते हैं। बेंटले की इस सुपर लग्जरी कार की टॉप स्पीड 296 किलोमीटर पर आर है। लुक और फीचर्स की बात करें तो इसमें सेंचुरी एडिशन वाली बेजिंग, यूनिक ग्रिल बेज, व्हील सेंटर कैप जैसी बाहरी खूबसूरतियों के साथ साथ पावर रिक्लाइनिंग रियर सीटर्स, सेंटर कंसोल, खूबसूरती के साथ तैयार की गई पिकनिक टेबल समेत कई सारी खूबियां मौजूद हैं। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आपको उम्मीद थी कि वाकई में अंबानी और अडानी को छोड़ के किसी और के पास भारत की सबसे महंगी कार होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।